दोस्तों मांगला के शामिल होते ही बदल जाएगी सीएसके की प्लेइंग 11। अब इस बॉलिंग लाइनअप के साथ उतरेगी चेन्नई सुपर किंग। तो जानेंगे पूरी खबर आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि सीएसके से जुड़ी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आईपीएल 2023 का सीजन शुरू होने में लगभग 2 हफ्ते का समय बाकी है। पहला मुकाबला 31 मार्च को खेला जाना है। आईपीएल का पहला मुकाबला सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। आपको ये बता दें कि सीएसके ने अपनी तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दिया था और अभी इनके प्लेयर्स चेपाक स्टेडियम में मौजूद हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी बचे खिलाड़ी जल्द ही चेपाक स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। इस साल चेन्नई सुपर किंग काफी मजबूत नजर आ रही है। अगर ये टीम 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत ले तो कोई भी हैरानी नहीं होगी। अभी हाल ही में सीएसके की टीम को एक बड़ा झटका लगा है काइल जेमिसन के रूप में और यह आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि काइल जेमिसन के रूप में कौन टीम में शामिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात कंफर्म हो चुकी है कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज सिसांडा मांगला सीएसके के टीम में शामिल होने वाले। सिसांडा मांगला ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुल 12 मैचों में 14 विकेट झटके थे और शायद इसी वजह से इनको सीएसके टीम में शामिल किया गया है। मांगला एक ऐसा गेंदबाज है जो कि न केवल गेंदबाजी करेगा बल्कि निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सिसांडा मांगला चेन्नई सुपर किंग के लिए एक बेहतरीन च्वाइस साबित हो सकते हैं और मांगला के टीम में शामिल होने के बाद बॉलिंग लाइनअप बदला हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। अब आपको क्या लगता है कि सिसांडा के टीम में शामिल कर लेने से सीएसके की टीम 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सीएसके से जुड़ी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।